हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास टेंथ का एक केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, कार्बोनेट्स कंपाउंड। ये मैंने एक्चुअली इसलिए सोचा क्योंकि क्लास टेंथ बोर्ड हो चुका है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है बच्चों के, पेरेंट्स के। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि क्लास टेंथ के भी कुछ लेक्चर्स, उनके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनके अपलोड किए जाएं। और इसी कोशिश में मैं सबसे पहले आज कर रहा हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके जो मेन पॉइंट हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्यूलरिन एंड आईपीएसी नेमिंग को समझेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन इज एन एलिमेंट, सिंबल होता है सी। इट इज अ नॉन मेटल, एटमिक नंबर इसका होगा 6, एटमिक मास होगा 12, रिप्रेजेंटेड एज 6C12। यानी यहां पर जो आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, जो यहां पर सबस्क्रिप्ट में उस साइड लिखा हुआ है, उसको कहा जाता है एटमिक नंबर। और जो सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको इस साइड भी लिख सकते हैं और उस साइड भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो नीचे ये लिखा हुआ है वो सिर्फ लेफ्ट साइड ही लिखा जाएगा और वो होगा एटमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा है सुपर स्क्रिप्ट में वो राइट साइड भी लिखा जा सकता है, लेफ्ट साइड भी लिखा जा सकता है और वो होगा एटमिक मास। तो इस तरीके से ये कार्बन के सिंबल का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक। अब द नेम ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मींस कोल। ठीक है, इसका नाम कार्बो से मिला है जिसका मतलब कोल होता है। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन प्रेजेंट है वो है 0.02%। और किस मिनरल के फॉर्म में, जो है कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मींस कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इसके फॉर्म में। एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% होगा इन फॉर्म ऑफ CO2 एंड CO, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उसके बाद है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि होंगे प्लांट्स और एनिमल्स, उन सभी के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो होता है कार्बन। और वो किस फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, जिसमें कार्बन एक बेसिक एलिमेंटल फॉर्म में जरूर प्रेजेंट होता है, बेसिक एक एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिए हैं जो आपके आसपास होते हैं, जिसमें मेन एलिमेंट कार्बन है, वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल एंड डीजल। दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि एलपीजी और सीएनजी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं वो क्या हैं, मतलब मेन कॉम्पोजिशन क्या है, और इसका मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। अब हम देखते हैं आगे जो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और वैलेंसी क्या होती है। तो इसमें आपको ये पता चल चुका है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। तो इसमें C6 है। अब एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पीरियोडिक टेबल जो आपने पहले पढ़ चुकी है उसमें इसकी पोजीशन क्या है। आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में कि ये जो कार्बन है वो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप कौन सा हो गया, 14th ग्रुप। ठीक है, और पीरियड कौन सा हो गया, सेकेंड पीरियड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको एक बात और पता होगी
कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2.4 यानी के एल, और ये जो है वो है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। जो ये के है इसको कहा जाता है इनर सेल, ठीक है। इनर सेल को पेनल्टीमेट सेल भी कहा जाता है, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। जो भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। मतलब यहां पर इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन है टेट्रावेलेंट। कार्बन जो है वो है टेट्रावेलेंट, और आप इस तरीके से उसको लिखेंगे। ये लीजिए, यहां पर आप देख रहे हैं कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2, 3, ये 4। तभी आपने कहा है कि जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा आउटर मोस्ट सेल में जिसको वैलेंस सेल कहा जाता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी रीजन से इसमें 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो आपने जरूर देखी होगी कि जैसे कि एक कंपाउंड होता है मीथेन एक कार्बन का, एक होगा इथेन 2 कार्बन के, एक होगा प्रोपेन 3 कार्बन का। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखेंगे, CH4, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3। यहां पर एक कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन आपस में अटैच हैं, यहां पर 4 कार्बन आपस में अटैच हैं। इनका जो अटैचमेंट होता है वो कुछ ऐसा होगा, ये लीजिए, और दूसरे में इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और तीसरे में इस तरीके से होगा, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, और 2 कार्बन किससे अटैच हैं, सिंगल बॉन्ड से। इसमें ये जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होते जा रहे हैं। तो मैं आपको यहां पर ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कार्बन की आपस में अटैच करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी सेल्फ अटैचिंग कैपेसिटी या सेल्फ कॉम्बिनेशन करना कार्बन के केस में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हाईली कैटेनेशन प्रॉपर्टी शोइंग एलिमेंट। जो सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, आपस में कंबाइंड करने की कैपेसिटी होती है, उसको टेक्निकली कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो कार्बन होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे यहां पर 1, 2 कार्बन हुए आपस में अटैच हो गया, 3 कार्बन हुए ये आपस में अटैच हो गया, 4 कार्बन या 5 कार्बन या बहुत सारे कार्बन सब आपस में अटैच होकर एक स्टेबल कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, और ये प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, जो सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन की, ठीक है। इसके बाद जो कंबाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो इसी ग्रुप के सिलिकन एलिमेंट की होती है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये था कार्बन के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है, सिंबल क्या है, फिर उसके बाद उसकी बैलेंसी क्या है, और लास्ट में सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कैटेनेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होते हैं। इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए कहिए।
सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, आपसे जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।